आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसन का हलवा। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉली कुकिंग विद डॉली में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे दानेदार बेसन का हलवा, जो कि बहुत ही हम इजी मेथड से ये बनाएंगे। चलिए उसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ हमने लिया है 1 कप बेसन, 1 कप से थोड़ा सा कम हमने चीनी ली है, 2 चम्मच हमने यहाँ पर सूजी ली है, 2 पिंच हमने यहाँ पर फूड कलर लिया है, थोड़ी सी हमने इलायची पाउडर लिया है, 2 चम्मच हमने दूध लिया है, 1/2 कप देसी घी लिया है। आप चाहें तो डालडा घी में भी बना सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं। तो चलिए बेसन का हलवा बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पैन हमने रख दिया है। इसमें हम सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे, तो चाशनी के लिए हम डालते हैं इसमें 1.5 कप पानी। 1 कप हमारा बेसन था, तो इसमें हम 1.5 कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें शुगर डालेंगे, तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसको एक उबाली तक ही उबालना है। अब इसमें हम फूड कलर डाल देंगे। आप चाहें तो फूड कलर स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी को बॉयल आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस स्टेज पे डालेंगे हम इसमें इलायची पाउडर और इसको मिला देंगे। अब हम इसे साइड में रख देंगे। हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम घी डालेंगे और किशमिश को छोड़कर पहले सभी ड्राई फ्रूट्स भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने से जो हमारा हलवा है वो और भी अच्छा बनेगा। अब हम इसमें किशमिश डाल देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इनको निकाल देंगे। कि फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो गए हैं। इसमें से थोड़े से हम गार्निश के लिए रख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। इसमें अब हम सबसे पहले घी डालेंगे और 2 चम्मच घी हम बचा लेंगे, अगर बाद में जरूरत पड़ी तो हम डालेंगे। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे और अब हम इसमें बेसन डालेंगे। और इसको लो फ्लेम पे भूनेंगे जब तक कि इसका कलर डार्क ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, बेसन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी अब हम इसे और पकाएंगे और भूनेंगे। बेसन हमारा जितना भुना हुआ होगा, हमारा हलवा उतना ही टेस्टी बनेगा। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है पूरा हलवा बनाते हुए। लगातार चलाते हुए हमें इसे भूनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बेसन हमारा भून गया है। अब हम इसमें सूजी डालेंगे और इसको भूनेंगे। सूजी को हम 1-2 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी और बेसन दोनों हमारे भून गए हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच दूध, जिससे कि ये दानेदार बनेगा। अब हम
इसमें एक चम्मच और डालेंगे दूध का। और अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि ये बबल्स खत्म नहीं हो। ये देखिए फ्रेंड्स कितना दानेदार है। ये दूध डालने से ही हुआ है, आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं दो चम्मच। ये देखिए फ्रेंड्स ये तैयार है। अब हम इसमें चाशनी डालेंगे जो हमने तैयार की हुई थी और इसको मिला। अब हम इसमें रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और थोड़े से हम गार्निश के लिए रख लेंगे। इसको मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा हमारा हलवा तैयार हुआ है। देखिए अब हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे ताकि थोड़ी चमक आ जाए और इसको मिला दें। ये देखिए फ्रेंड्स हलवा हमारा बनके तैयार है। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा हमारा हलवा बनके तैयार हुआ है और बहुत ही कम समय में। इस पे ये रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।